There is no difference between saving lives and extending lives, because in both cases, we are giving people the chance of more life. Next to creating a life, the finest thing a man can do is save one. सभी जानते हैं कि रामायण युद्ध के दौरान एक समय पर हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत लाकर लक्ष्मण को बचाया, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि हनुमान जी ने एक बार नहीं दो बार संजीवनी पर्वत लाए थे। इसका वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में उल्लेख किया गया है। कुंभकर्ण और अतिकाया की मृत्यु के बाद इंद्रजीत ने रावण को शांत कर अधिक शक्तियां प्राप्त करने अभिचार होम का अनुष्ठान कर ब्रह्मजी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। इस ब्रह्मास्त्र की सहायता से इंद्रजीत ने लाखों की संख्या में वानर सेना का संहार किया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जब सभी वानर सेना सहित श्रीराम और लक्ष्मण भी अचेतन हो गए थे, तब सिर्फ जांबवंत और हनुमान जी ही चेतना स्थिति में थे। तब जांबवंत ने वानर वैद्य सुषेण की सलाह से हनुमान जी को हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी नामक जड़ी बूटी लाने भेजे, लेकिन हनुमान जी उसे नहीं पहचान पाने से पूरा संजीवनी पर्वत ले आए। तब वानर वैद्य सुषेण ने संजीवन जड़ी बूटी हिमालय पर्वत पर ढूंढ कर सभी को जीवित किया। फिर युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने श्रीराम और लक्ष्मण पर नागास्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। फिर हनुमान जी जांबवंत की सलाह से और सुषेण के अनुरोध करने से संजीवनी पर्वत लाने हिमालय गए, जहां देवताओं के धामों का अनेक सुंदर वर्णन किया गया है। संजीवकरणी और विलस्यकरणी मूलिकाओं की मदद से लक्ष्मण वापस चेतना स्थिति में आ गए। इस तरह हनुमान जी एक नहीं दो बार संजीवनी पर्वत लाए और फिर उसे वापस हिमालय पर स्थापित भी कर दिए।